हेलो एवरीवन, टेक में मैम का स्वागत है। मेरा नाम है आसिफ और आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से एक नया फोन आया है जिसका नाम है इन्फिनिक्स 05T। इससे पहले लो वेरिएंट के अंदर दो तीन फोन लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 10, नोट 11, हॉट 10, बहुत सारा मॉडल है, लेकिन अभी मीडियम रेंज के अंदर आया और ये सबसे पहला फोन है उसका। तो देखते हैं ये फोन आपके लिए लेना चाहिए कि नहीं, उस बजट के अंदर आता है तो क्या स्पेक्स देगा, वो स्पेक्स के अंदर आपको ये फोन परचेज करना चाहिए कि नहीं, ये बात करेंगे इन डिटेल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप कर चुके हैं वीडियो में प्रवेश, तो सबसे पहले बात करते हैं चमचमाते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.78 इंच का FHD LTPS LCD डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने मिलेगा। और रहा बात इस फोन का प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि हर कोई तो फोन संभाल के रख नहीं पाता, तो इसका बैक में आपको प्लास्टिक बॉडी और फ्रंट में ग्लास बॉडी देखने मिलेगा और पूरा फोन एक प्लास्टिक बॉडी फ्रेम में आएगा। तो ओवरऑल इस फोन का डिस्प्ले बाकी सब फोन से बहुत अच्छा है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि बाकी सब फोन 20,000 के अंदर जहां आपको IPS डिस्प्ले देता है, ये फोन आपको LTPS डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। और वही बात करें इस फोन का कैमरा के बारे में, तो इसका बैक में ट्रिपल कैमरा आता है जिसमें आपको 48, 30 और 2 मेगापिक्सल का 3 कैमरा मिलता है। और फोटो तो इसके अंदर आप बहुत अच्छा ले सकते हैं क्योंकि प्राइम कैमरा तो 48 मेगापिक्सल का है। एक चीज है, इसके अंदर आपका अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। और वीडियोग्राफी का बात करें तो इसके अंदर आपको 4K 30 FPS तक मिल जाता है, तो आप वीडियो शूट और फोटो दोनों इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वही बात करें इस फोन का फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इसका फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है जिसके अंदर आप फिर से वही वीडियोग्राफी में 4K up to 30 FPS शूट कर सकते हैं। और वही बात करें हर एक फोन का सबसे मेन और कोर पॉइंट के बारे में, जो कि उसका परफॉर्मेंस होता है, तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 900 का प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर चिपसेट। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप ये प्रोसेसर लेके क्या कर पाइएगा, तो इसके अंदर आप एडिटिंग बोलिए, वीडियोग्राफी बोलिए, वीडियो एडिटिंग बोलिए, या हाई एंड गेम्स कुछ भी करना चाहते हैं सब कर पाइएगा लैग फ्री। और इसके अंदर का चिपसेट की वजह से, जो 6 नैनोमीटर का है, उसके वजह से इसका बैटरी भी बहुत कम ड्रेन होगा और आप बहुत अच्छा और लॉन्ग टाइम तक गेम खेल सकेगा। बैटरी अगर बात हो रहा तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन के अंदर 5000 mAh का बैटरी आता है, जो 1 से 1.5 दिन तक का लॉन्ग बैटरी लाइफ आप लोग को आराम से दे देगा। लेकिन अगर आपका ज्यादा काम करते हैं फोन के अंदर, तो इसके साथ साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देगा जिससे आप इसको जल्दी चार्ज कर सकते हैं अगर आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट हुआ तो। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको XOS 10 का सॉफ्टवेयर मिलता है बेस्ड ऑन Android 11, जो कि अभी के लिए Android 11 है, लेकिन आपको बहुत जल्दी Android 12 का अपडेट दे देगा। तो ये था इस फोन का स्पेक्स और ओवरऑल मेरा रिव्यू। लेकिन बात करें इस फोन का रैम और स्टोरेज के बारे में, क्या वेरिएंट में आने वाला, तो ये फोन एक ही वेरिएंट में आएगा, 8GB 128GB, 1 मिनट के अंदर ही आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस मेरे ख्याल से 18 से 20 हजार के अंदर आएगा। और इस फोन के अंदर एक अच्छा चीज ये मिल रहा है कि अगर आपको रैम बढ़ाना है तो इसमें आप 5GB तक का वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं, तो ओवरऑल आपका टोटल 13GB का रैम हो सकता है। अगर आप बढ़ाना चाहे, आपका इतना काम आता है फोन, आपके लिए रैम इंपॉर्टेंट है, तो आप बढ़ा सकते हैं, वरना आप 8GB के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपस के बारे में कि 20,000 का बजट में आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो प्रोज और कॉन्स दोनों ही इस फोन का। कॉन्स के बारे में बात करें, सबसे पहले आता है कैमरा जिसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा काम करते हैं उससे, तो आप ये फोन नहीं देखिए, बहुत सारा फोन है वो जाके ले लीजिए, इसके अंदर अल्ट्रा वाइड नहीं है। इसके बाद आता है डिस्प्ले, जो कि एक LTPS डिस्प्ले है, AMOLED नहीं है, जो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड है प्राइस के हिसाब से। 20,000 का बजट है तो AMOLED कम से कम इसके अंदर आना चाहिए। और वही इसका प्रोस का बात करें तो सबसे पहले आता है इस फोन का डिस्प्ले, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है, एंड टू एंड स्क्रीन आता है 6.78 इंच का। और सेकंड इसका कैमरा है, जो कि फ्रंट कैमरा है, उसके अंदर भी आप 4K का शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा और बहुत कम फोन के अंदर ऐसा मिलता है। और लास्ट में जो आता है वो इस फोन का प्रोसेसर, जो कि बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, खास करके जो ये फोन परचेज करेंगे, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए इस फोन में, इस फोन से आपको हीट इशू और लैग इशू नहीं मिलने वाला है। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो का इस एंड तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आया मेरा सकल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसके बारे में आपको पता चल जाए और आप जाके उसको डायरेक्ट देख सके। कमेंट करिए, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, उसके बारे में कमेंट करिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तो उसके बारे में वीडियो भी जरूर बनाइए। शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को, ताकि पता चले कि 20,000 का बजट पर उनको कौन सा फोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सा फोन उसके लिए अच्छा है, नहीं है, सब कुछ उन लोगों को पता चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।